हाय फ्रेंड, तो आज मैं बात करने वाला हूँ थंबनेल के बारे में। आपका थंबनेल अच्छा है या ख़राब है, आप खुद से आप चेक कर सकते हैं आपका थंबनेल अच्छा है या ख़राब है। इसको सारे लोग आजमाते हैं इसी ट्रिक को। जितने भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं ना, जितने भी यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर यही ट्रिक आजमाते हैं। वो मतलब वो चेक करते हैं कि उसका थंबनेल ख़राब है या अच्छा है। मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ, अपने वीडियो पर जो थंबनेल लगाता हूँ, वो थंबनेल मैं भी इसी तरीक़े से चेक करता हूँ मेरा थंबनेल ख़राब है या अच्छा है। अगर ख़राब रहता है तो उससे और अच्छा ज़्यादा बनाने का कोशिश मैं करता हूँ। तो ऐसे ही आप भी चेक कर सकते हैं आपका थंबनेल अच्छा है या ख़राब है। चलिए मैं वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। वीडियो कर लिया स्टार्ट, और चलिए मैं YT स्टूडियो को मैं ओपन में कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं YT स्टूडियो को मैं ओपन में कर लिया हूँ, और यहाँ से चलिए मैं एक वीडियो में कोई सा भी एक वीडियो मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे चलिए मैं नीचे की तरफ थोड़ा आता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गो टू वीडियो एनालिस्टिक। चलिए इस पर मैं क्लिक में कर देता हूँ, और चलिए इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, और भी थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, और मैं इधर कर लेता हूँ, और थोड़ा इधर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है वो YouTube मतलब भेजता है, मतलब लोगों के सामने वो पेश करता है। देख सकते हैं आप इम्प्रेशन, मतलब जो भी आप वीडियो YouTube पर डालते हैं ना, वो वीडियो मतलब YouTube वो वीडियो मतलब लोगों तक पहुंचाता है, भेजता है। लेकिन उस पर है कि से क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही आपको देखना है। और उससे ही पता चलेगा आपका वीडियो का जो थंबनेल है वो थोड़ा ख़राब है, तो अपने थंबनेल को आप थोड़ा अच्छा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्रेशन मतलब YouTube ने कितना 946 लोगों तक भेजा है इम्प्रेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा जो व्यू आ रखा है 109 व्यू आ रखा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा और इधर कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्रेशन मतलब क्लिक थ्रू रेट मतलब CTR, मतलब इसका जो CTR है 9.8% है। मतलब इसका CTR मतलब सही है, मतलब लगभग आपका जो CTR है ना, CTR से ही पता चलता है आपका थंबनेल अच्छा है या ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो CTR है, तो यहाँ देख सकते हैं आप 9.8% है, मतलब 9.8% है इसका CTR। तो इससे पता चलता है मेरा जो थंबनेल है वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है मेरा थंबनेल। मतलब 2 पॉइंट से ऊपर रहना चाहिए CTR, वीडियो का CTR। अगर 2 पॉइंट से ऊपर है, अगर लोग उस पर क्लिक कर रहे देख रहे हैं, तो आपका CTR है वो बढ़ता ही जाएगा, धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। तो यही आपको यही तरीका आपको चेक कर सकते, यही तरीका है थंबनेल चेक करने का। अगर मान के लिए अगर आपका CTR अगर मान के लिए 1 पॉइंट है ना, अगर 1 पॉइंट पर आ गया तो समझ लीजिए आपका थंबनेल ख़राब है, आपके थंबनेल में गड़बड़ी है, इसलिए आपके वीडियो को कोई वॉच नहीं कर रहा है। अगर मान के लिए 2 पॉइंट से ऊपर है तो मान के लिए थोड़ा बहुत अच्छा है, अगर मान के लिए 3 पॉइंट पर है तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, और उससे भी ज़्यादा, उससे भी मतलब जितना भी, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CTR इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, मतलब ये जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना ज़्यादा आपके वीडियो के लिए अच्छा होता है, ताकि लोग उस पर क्लिक करता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जितना भी न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। अगर आपको भी अगर थंबनेल बनाना है पूरा फुल ट्यूटोरियल्स, मतलब किसी प्रकार का अगर आपको अगर थंबनेल बनाना है, अगर सीखना चाहते हैं थंबनेल बनाना, तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कीजिए, वो वीडियो प्ले हो जाएगा। और वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपको कभी भी आपको थंबनेल बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी प्रकार का भी आप थंबनेल आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली से। तो चलिए तब तक लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में।